हर पैकेट पे एक्सपायरी डेट तो आती है ना। मतलब हम कुछ भी खरीदते हैं, ब्रेड ले लो, नमक ले लो, या फिर कोई भी मैदा, बेसन, सूजी, और जो मार्केट में जो आटा मिलता है उस पे भी एक्सपायरी डेट लिखी होती है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि हम जो चीनी या जो गुड़ खरीदते हैं उस पे तो कोई एक्सपायरी डेट लिखी ही नहीं होती? ऐसा क्यों? क्योंकि चीनी और गुड़ कभी एक्सपायर ही नहीं होते। चीनी और गुड़ को तो मिलाया जाता है चीज़ों में एज अ प्रिजर्वेटिव, जैसे कि जो अचार, जैम्स और ये जो शरबत्स होते हैं, जो मुरब्बा होते हैं, इन सब में हम चीनी डालते हैं, गुड़ डालते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, जिससे ये सब चीज़ ठीक रहे। तो फिर जो चीज़ एज अ प्रिजर्वेटिव काम करती है वो चीज़ खुद कैसे खराब हो सकती है? चीनी और गुड़ रखने का एक तरीका होता है। अगर आप चीनी और गुड़ को एकदम सूखी और साफ जगह रखते हैं, एकदम एयर टाइट कंटेनर में, तो ये सालों साल चलते हैं। लेकिन हमने जहाँ इनको रखा है, अगर वहाँ पे थोड़ी सी भी नमी आ जाती है तो ये खराब होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि गुड़ पे वो वाइट वाइट कलर का आ जाता है ना, जिसे फफूंद कहते हैं, वो इसी वजह से आता है क्योंकि उस पर या तो नमी आ गई है या फिर वो डिब्बा खुला रह गया, जिस वजह से गुड़ खराब, मतलब गुड़ खराब तो नहीं होता वो, लेकिन उसका टेस्ट बिगड़ जाता है। उस पे वो वाइट कलर की फफूंद आ जाती है जिसकी वजह से उसका टेस्ट खराब हो जाता है। लेकिन वो गुड़ पूरा खराब नहीं होता है, उसके बस टेस्ट में चेंज आ जाता है। वहीं अगर हम चीनी की बात करें तो अगर चीनी में नमी आ जाती है तो उसमें डेले पड़ने लग जाते हैं, उसका वाइट से कलर ब्राउन येलो होने लग जाता है, लेकिन वो चीनी खराब नहीं होती है। जब चीनी और गुड़ को बनाया जाता है तो उसको इतना हाई टेम्परेचर में उबाला जाता है कि उसमें कोई मॉइस्चर ही नहीं रह पाता। तो जब उसमें कोई मॉइस्चर ही नहीं रहेगा तो उसमें नमी ही नहीं बनेगी, तो नम जब और जब उसमें नमी ही नहीं बनेगी तो वो चीज़ कैसे खराब हो सकती है? और उसमें चीनी और गुड़ में बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज होता है, जिससे फंगस और बैक्टीरिया जैसी चीज़ें उस पे आती ही नहीं है, जिस वजह से इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे तो हमें कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में स्टोर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कीड़े मकोड़ों और नमी का जब इंटरेक्शन होता है तो वो चीज़ ख़राब होने लग जाती है। इसलिए कम खरीदें, जैसे कि मैंने आपको बताया फफूंद का, कि गुड़ में नमी के आने के कारण उसमें फफूंद लग जाती है, लेकिन वो ख़राब नहीं होता है। जैसे फल और सब्जियाँ सड़ जाते हैं ना, उस तरह से चीनी और गुड़ ख़राब नहीं होते हैं, बस उनके फफूंद लगने के चक्कर में या फिर उनका कलर चेंज होने के चक्कर में उनके टेस्ट में बदलाव आ जाता है, उनका टेस्ट थोड़ा हल्का सा ख़राब हो जाता है, लेकिन वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट ख़राब नहीं होता है। इसलिए तीन चीज़ों का ध्यान रखिए, चाहे आप कुछ भी खरीदें। पहली चीज़, आप उसको कम खरीदें, थोड़ी सी क्वांटिटी में खरीदें, फिर ख़त्म हो जाए फिर ले आएँ, लेकिन एक साथ बल्क में स्टोर मत करके रखिए। दूसरा कि आप उसको सूखी और साफ जगह पर स्टोर करिए। तीसरा, एक एयर टाइट कंटेनर में रखिए उसको। आप कुछ भी लाते हैं उसको एयर टाइट कंटेनर में रखिए, जिससे उसमें नमी और कीड़े मकोड़े लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कमेंट सेक्शन में बताना आपकी क्या राय है इस बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ। मेरा कंटेंट पसंद आता है अगर आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबा के नोटिफिकेशंस पे ऑल पे क्लिक ज़रूर करना, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन ईजिली मिलते रहे। तो चलिए अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, और अगर ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकलिए। और हाँ, वीडियो देखने के लिए बहुत बड़ा दिल से थैंक यू।